बच्चों, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालना। इसी को क्लोजेस्ट अप्रोच, इसी को मिनिमम सेपरेशन भी कहा जाता है। बहुत सारे यूनिट्स में फिजिक्स की जरूरत पड़ती है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि कोई पार्टिकल ए, सपोज ये चल रहा है नॉर्थ की तरफ, यानी कह लो बी की तरफ, इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन 100 मीटर है, और बी चल रहा है ईस्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, और क्वेश्चन आपसे मिनिमम सेपरेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या क्लोजेस्ट अप्रोच मांगेगा। बेटा क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में, सबसे पहले इनकी वेलोसिटीज को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। यानी वेलोसिटी ऑफ ए को अगर आप वेक्टर फॉर्म में ले जाओ तो ये पॉजिटिव वाई है, या कह लो नॉर्थ है, तो ये 10 जे कैप है बेटा, अंडरस्टूड मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ बी को, यानी ऐसे क्वेश्चंस में पहले आप इनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, ये हो जाएगा 10 आई कैप। फिर क्या काम करो, किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो। सपोज इसमें हम लोग वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकाल लें, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकाल लें, तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए। ठीक है, पहले वेलोसिटीज को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो और फिर उनकी रिलेटिव वेलोसिटी को निकाल लो। तो वी बी माइनस वी ए का मतलब निकला ये 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप होगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, या ये कह लो कि ए के रेस्पेक्ट में ये बी की वेलोसिटी है। फिर क्या काम करो, इस वेक्टर को प्लॉट कर दो, इसका डायग्राम बना दो। इसका मतलब क्या निकला कि अगर ए पर उसको रोक दिया जाए, यानी ए को रोक दिया जाए, तो ऐसा लगेगा कि वो इस रास्ते पर चल रहा है। तो 10i माइनस 10j का बेटा मतलब क्या निकला, 10i माइनस 10j का मतलब निकला पॉजिटिव x, या कह लो ईस्ट में 10, और 10j नेगेटिव y कह लो या साउथ कह लो, इस डायरेक्शन में 10 है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, या कह लो जो b की a के रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी मिल रही है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो इस डायरेक्शन में है। अगर ज़रूरत पड़े तो बेटा आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, वी बी ए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो वो 10√2 आ जाएगा। अब क्या काम करो बेटा, ये दोनों वेक्टर को कि एक समान है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल 45 डिग्री हैं। अगर ये एक समान नहीं होते तो आप 10θ का कंसेप्ट या cosθ का चला के निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले आपने वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट कर लिया वेक्टर फॉर्म में, फिर आपने रिलेटिव वेलोसिटी को निकाल लिया। अब अगर ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी निकाली गई है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए को रोक दें तो उसे ऐसा लगेगा, यानी ए की वेलोसिटी को अगर हम रिवर्स उस पर अप्लाई कर दें तो ए को ऐसा लगेगा कि बी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यानी बी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा अगर ए के रेस्पेक्ट में देखा जाए। तो बेटा ए के रोकने का मतलब हुआ कि हम लोगों ने माइनस ए अप्लाई किया है, यानी उसकी वेलोसिटी को माइनस किया है। तो अगर ए से देखा जाएगा तो बी इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा उसको, यानी ये डायरेक्शन होगा बी का ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब आपने एक बार इसका वेक्टर प्लॉट कर लिया, इसका डायग्राम प्लॉट कर लिया, उसके बाद इसमें कुछ नहीं बचता। ये लाइन अगर आप जोड़ दो बेटा तो ऐसे ये तो 100 मीटर है। फिर क्या करो, ए से इस लाइन पर, रिलेटिव वेलोसिटी वाली लाइन पर परपेंडिकुलर गिराओ। ठीक है, वी ए वी भी निकाल लिया, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया, उसको डायग्राम में उसको प्लॉट कर लिया, उस फिगर को दिखा दिया, या कह लो ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी को दिखा दिया। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या काम करो, ए से इस रिलेटिव वेलोसिटी वाली लाइन पर परपेंडिकुलर गिराओ। ये जो परपेंडिकुलर होगा यही इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यही इनके बीच का मिनिमम अप्रोच होगा। अब बेटा इसको कैसे आप निकाल सकते हो, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये वर्टिकल लाइन कह लो या ये लाइन कह लो, तो इसका मतलब आपके पास ये एंगल 45 डिग्री का है ना। अब आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज डी अपॉन साइन 45, या डी अपॉन ऐसे कर लेते हैं, डी अपॉन 100 इज इक्वल टू साइन 45 दैट इज 1/√2, तो आपको बेटा इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन मिल गया 100/√2, या आप कह लो 50√2 मीटर। ठीक है, तो ये 100/√2 दैट इज 50√2 मीटर, तो ये इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन होगा, यही इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। क्लियर, तो बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज में हम लोग इसी तरह से कई कॉन्सेप्ट्स को ले रहे हैं और उनको डिस्कस कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज को देख सकते हो, उसमें लेक्चर्स लगातार लोड हो रहे हैं, आप उसको देख सकते हो। बच्चों, आपके फिजिक्स की प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए आप फिजिक्स मूनशॉट का ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। सबसे बड़ी फैसिलिटी, आप उसमें अपना डाउट पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसमें अपना डाउट चैट सेक्शन में पोस्ट कर दो, उसका आपको ऑडियो सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
आप उसमें फ्री में सारे जो टेस्ट हैं फिजिक्स के ऑलमोस्ट वो उसमें लोड हैं, वो आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे करके उसकी पूरी एनालिसिस देख सकते हो, यानी उसका सॉल्यूशन और उसमें कहाँ आपने क्या गलती किया वो आपको मिल जाता है, ठीक है। उसमें चैप्टर वाइज पैकेजेस भी लोड हो रहे हैं, जैसे ये जो टॉपिक है बेटा ये रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक है, तो अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, रिलेटिव वेलोसिटी में तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत सारे चैप्टर उसमें टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। तो अगर आपका जैसे पर्टिकुलरली रिलेटिव वेलोसिटी वीक है, लीनियर मोशन वीक है, तो आप उस ऐप पर बहुत नॉमिनल चार्जेस में 300-200 इस तरह से आप उसको परचेज कर सकते हो, और उसमें पूरा वो लेक्चर भी है और उसमें असाइनमेंट भी है और उसमें SCV एट्सेट्रा के आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं कैसे आप कर सकते हो, यानी वही बिल्कुल प्लान्ड वे में डिज़ाइंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। केव स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।